मिस ईशान अवस्थो सर पहले तो सॉरी 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 इतना इंतजार कराने के वास्ते, दूसरा टाइटल देख के तो मालूम ही छोड़ गया अपन क्या करने वाले। सो जिन जिन के दिमाग में आ रहा है कि अपन सर में गोश्त का रोस्ट कर रहे हैं, गोश्त का नहीं, गोश्त के जो इंटरनेट पे जो 50 से 30 है ना, उन लोगों का रोस्ट करने वाले। सो अपनी गुस्सी की पेटी बांध लो, मौसम बहुत भयानक होने वाला है। आगे से बने हुआ तो कैसा बोलो, अगर वो होता ही जपने आप होता था ना तो कुर्सी नहीं गिरती थी। और बैक टू बैक हो रहा हो, इसका एक ही मतलब है, आत्मा गोश प्रेत जो भी है वो इंसानों को डराने के वास्ते तागे का इस्तेमाल कर रही थी। मैं पहले ही बोलता हूँ इंटरनेट पे सब फेक स्टफ भरे हुआ, पहले बोला, अब बोल रहा हूँ इंटरनेट पे सब फेक स्टफ भरे हुआ रहता। अब वो चलता कैसा बोले तो तुम लोग है ना एक्शन करने, इसलिए चल जाता, समझे। एक और वायरल वीडियो जिसमें सबको दिख रहा वो गुड़ी जो है ना असली में मुंडी पलटाई बल्कि, मगर असल में वो गुड़ी जो है ना रोबोटिक है, वो रहते ना यार रिमोट कंट्रोल वाले, हाँ वही इतना कुछ भी इशू नहीं है। अब आत्माओं के पास काम धंधे है इसने गुड़ियों में सामानों में आ जा रहे हैं, नहीं इट्स फेक स्टफ यार, दैट्स इट। ये तो रिच कर दिया, चलो एक सेकंड को मान लेंगे, मान लो चलो एक सेकंड को अपन मान लेंगे वो जो भी था असली था, बल्कि वरना इतना करीब से देख के भागे थे, उसके बावजूद दोनों में से किसी भी काफी नहीं हुआ। इसका मतलब इंसान आत्माओं से तेज हो रहे, तो फिर डर गएगा यार, नहीं क्योंकि डाउट हो रहा ये जो भूत जो भी आत्मा वगैरह जो भी फील ना देखे सो इन्हें इन लोग पैसा नहीं पकड़ा, आत्मा भूत रहने के बावजूद पैसा नहीं पकड़ा। देखो असली आत्मा हो अगर तुम आस पास है देख रहे तो देखो तुम लोगों का इन्हें नाम ऐसा बिगाड़ दे रहा, मट्टी में मिला दे रहा। तो मैं इंसानों को बोलना चाहूँगा, इंसानो तुम लोग बचो, असली आत्माओं से भी और एक फेक स्क्रिप्टेड स्टफ से भी, अंडरस्टूड। A ver, ¿a qué me mira? Dios mío. क्या आलसी भूतनी है यार, उठने तक हाथ नहीं पा। अरे नहीं दुकानों पे मिलता 100-30 रुपए का मास्क जरूर काटेंगे, खाली विदाउट मेकअप आ जाती तो भी असली में डर लग जाता था। मगर तुम लोगों को डराने इतनी मेहनत फोन करते यार, वो लोग फोन तो भी करता, खाली व्हाइट कपड़ों पे दूर से दिखा दिए बोलते ही खत्म, तुम ना चमन बन के डर जाते। और फैक्ट है रियल पब्लिक फेक स्टफ को भी असली समझ के डर जाती, समझो मेरी बात को। और जरा बारिश हो रही इसलिए आवाज में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बारिश का आदेश का आ जाएगा, बुरा मत समझो, मैं तो चिल्ला के बात कर रहा हूँ, ओके चलो आगे। अब ये देखना बाकी था, अब आत्मा यहाँ
पानियों में रह रहे हैं, और पानियों में रह रहे तो रह रहे हैं, पानियों में से निकल के बाहर आके खा रहे हैं। लोग किधर से मिल जाते हैं यार, ऐसा ना देखो किसी शिद्दत से काम कर रहा। और आई थिंक इन्हें ना पागिट है, इसको ना बोले होंगे सॉरी इंग्लिश पिलाते बल्कि इसलिए राजी हो गया। और दिख रहा भी नहीं सिर्फ पक्का पागिट नहीं तो ना देखो, अगर इन्हें असली रहता था तो ना इतना रिकॉर्ड कर सकते थे। मेरे को नहीं बोल रहा हूँ, इन लोगों को बोल रहा हूँ, ऐसा रिकॉर्ड कर सकते थे। हाँ ना क्या तो भी ना फेसबुक समझ लेते, ऐसा दिख रहा है इसको ऑडियंस को समझो जरा। रियल दिख रहा हूँ यूट्यूबर का घर नहीं, देखो कैमरा एंगल टाइम और प्लस रिकॉर्डिंग ऑन, ये सब कोइंसिडेंस तो नहीं है ना, लेकिन हाँ मगर स्क्रिप्टेड है। अगर असली में कुछ वो हुआ होता 40 को तो मैं सिर्फ कैमरे की तरफ ही देख के कहीं को मुंह खोल के आ रहा हूँ। इतना बड़ा कमरा बड़ा छोड़ रहा, इतना बड़ा कमरा है इधर भी देख के मुंह खोल सकती थी। मगर आई थिंक आत्मा को भी लैमलाइट होना करते सही है यार। इन लोगों का भी कहीं को बोले तो इन लोगों को भी मौका मिलना फेमस होने का, क्या खाली अपन इंसान है फेमस हो गया जो इन लोगों को भी मौका ना प्लीज सही मौका तो दियो आगे चलो। नाइस एडिटिंग, इन लोग अभी जिंदा बच गए। आत्मा को सामने से देखने के बाद भी क्या कर रहे हैं आत्मा तुम लोग, इंसान खाली डर रहे हैं वो भी नकली का, मगर मर रहे कोई भी नहीं। और इन लोगों को कैमरा ऑन करते कि आत्मा कैसा दिखते मेरे को समझ में नहीं आता यार। हमारे जहाँ तक पढ़ा है वहाँ पर ये था कि आत्माया और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो रहते वो कैमरे में नहीं रिकॉर्ड होते बल्कि बट ये फेक और स्क्रिप्टेड दुनिया में सब पॉसिबल। जब तक तुम ना देख के बिलीव करते यकीन करते ना तब तक सब रिकॉर्ड होता, भले ही वो आत्मा क्यों ना रहने तो। और तुम ना बोल रहे होंगे फोन चुप दिखा रहे हैं, फोन मैसेज आ रहे जाना है अब जल्दी जल्दी वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे बल्कि बैठ गया। सो जहीफ लोगों को इतना नहीं भगाते यार, बेवकूफ इंसान क्या बोलो तुम लोग, मगर ये उम्र में भी क्या खिलाफ लकड़ी फेंक के भाग रहे। सॉरी अपनी फिजा में भी सहमत चाहे शायद में हमारे को चलने हाथ में होता और इन लोग भाग रहे तो और एक सेकेंड आत्मा इनविजिबल रहते हैं ना, कौन सी भी चीज या कौन से भी ऑब्जेक्ट को हाथ नहीं लगा सकते बोलते पढ़ा था मैं पढ़ा सुना जहाँ तक पढ़ा ये पढ़ा, बट ये ओल्डर आत्मा लकड़ी कैसा पकड़ के है समझे कुछ दिमाग पे जोर डाले ना इसको भी असली समझ रहे हैं। देखो यार ये आत्माएं वगैरह एक्चुअल में रहते बट हर किसी को दिखाई नहीं देते और हर किसी हर कोई देखना पॉसिबल नहीं रहता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ इंटरनेट पे जितने भी आत्माओं के फिसातू वीडियो रहते ना सब फेक और स्क्रिप्टेड रहते, जितने भी रहते एक भी रियल नहीं रहता इंटरनेट पे। कहीं को बोलो आत्मा रिकॉर्ड होते ही नहीं, इंसानों को बड़ी मुश्किल से देखते हो ना कैमरे में कैसा दिखेंगे यार बोलो। और दूसरी बात ऐसा कौन से भी वीडियोस वगैरह देख के उस पर यकीन नको कर लो और फैलाओ भी नको ऐसा बेकार वीडियोस कहीं को बोलो। इंटरनेट एडिटिंग VFX का ज़माना है, कभी भी कुछ भी हो सकता। सो मेरा बोलने का मतलब ये है एक्चुअल जो चीज़ें हैं उस पर यकीन करो, ऐसा इंटरनेट हाँ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं ज़रूरी है, उस पर यकीन कर ले रहे हैं वो चीज़ों को सही समझ ले रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है। सो दैट्स इट, वीडियो अच्छी लगी तो तुम लोग को जो करना हो करो, मैं बार बार नहीं बोलता और अच्छा नहीं दिखा। और अगर इसका एक और पार्ट होना तो कमेंट करो, और अगर किसी के पास ऐसी फालतू और ऐसी फिसादू वीडियोस आ रहे हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, अगर मैं टाइप करना भूल गया तो बोल रहा हूँ जी शानदार यूट्यूबर इस
पे डीएम करो और बता एक फॉलो मार दो, नहीं बोलो तो फॉलो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो दैट्स इट, मिलेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो हुआ तो पॉसिबल में ईद के बाद पोस्ट करूँगा, तो ईद मुबारक। अगर उससे पहले पोस्ट करूँगा ईद के दिन देख लें तो भी ईद मुबारक। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के संग।